नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर हो जाएगा 31%, सितंबर से 30,000 रुपये तक बढ़ेगी सैलरी। हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस बार की दिवाली और दशहरा काफ़ी शानदार रहने वाला है, क्योंकि उनके खाते में डी और डीआर की मोटी रकम आने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डी और डीआर में बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू मानी जा रही है, जिसका भुगतान दशहरे से पहले कर दिया जाएगा। ऐसे में इस बात का भी आंकलन होने लगा है कि महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की मंथली सैलरी में कितना इजाफा होगा। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि कर्मचारियों की मंथली सैलरी में 3,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी मानी जा रही है। जाहिर है कि डीए बहाली के बाद मंथली सैलरी कितनी बढ़ेगी यह कर्मचारियों के पे स्केल पे ही निर्भर करता है। श्रम मंत्रालय ने मई 2021 के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े दिए हैं, जिनके अनुसार मई 2021 के इंडेक्स में 0.5 अंक की बढ़ोतरी हुई है, जिसे यह 120.6 पर पहुंच गया है। अब जून के आंकड़ों का इंतजार है, जिसमें बहुत उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि डीए में 4% की बढ़ोतरी चाहिए तो यह 130 होना चाहिए, लेकिन एक महीने में AICPI का 10 अंक उछलना नामुमकिन है। इसलिए यकीनन जुलाई में डीए की बढ़ोतरी 3% से ज़्यादा नहीं मानी जा रही। मौजूदा वक्त में 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता मिलता है। जब पिछली 3 किस्तों की डीए बढ़ोतरी की बहाली हो जाएगी तब यह सीधा 28% हो जाएगा। इसमें जनवरी 2020 में डीए 4% बढ़ा था, इसके बाद दूसरी 6 माह यानी जुलाई 2020 में 3% का इजाफा हुआ था और जनवरी 2021 में यह 4% बढ़ा था। अगर अब जुलाई 2021 में 3% बढ़ जाएगा तो केंद्रीय कर्मचारियों को सितंबर में 31% हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय सरकार वित्त वर्ष 2022 में डी और डीआर में बढ़ोतरी को लेकर 30,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है। राज्य पर भी इसी तरह करीब 60,000 करोड़ रुपए का खर्च होने की उम्मीद है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की सैलरी 23,000 रुपए से शुरू होकर अधिकतम 2.25 लाख रुपए तक होती है। उम्मीद है कि सरकार डी और डीआर की बढ़ोतरी पर त्योहारी सीजन से पहले देगी ताकि खपत भी बढ़ सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक डी और डीआर की बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू मानी जा रही है, जिसका भुगतान दशहरे से पहले कर दिया जाएगा। इसे 2 महीने का एरियर भी शामिल होगा। ऐसा करने पर केंद्रीय कर्मचारियों के हाथों में त्यौहार से पहले एक मोटी रकम हाथ लगेगी। लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को बढ़ोतरी का इंतजार है। हालांकि सितंबर से केंद्रीय कर्मचारियों का उनका बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलने लगेगा। इसे लेकर कई रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि सितंबर से उनका महंगाई भत्ता 17% से बढ़कर 31% हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।